दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे वंडरला अम्यूजमेंट पार्क हैदराबाद एंट्री टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों वंडरला हैदराबाद एंट्री टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपको सर्च कर लेना है वंडरला हैदराबाद। सर्च करने के बाद आपको ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऑफिशियल लिंक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां पर देख सकते हो आपको अलग अलग ऑफ़र देखने को मिलेगी। यहां पर अलग अलग ऑफ़र चलते रहती है, आप यहां पर जो है स्लाइड करके देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। बुक करने के लिए आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाजू में बुक नाउ का, तो आपको बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से बुक की बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो अगर आप कोची में बुक कर रहे हो, अगर कोची में आप जाना चाहते हो या फिर बेंगलुरु में, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर हैदराबाद के लिए बुक कर रहे हो, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन है हैदराबाद का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट पर आपको जाना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप सैटरडे संडे को जाते हैं तो थोड़ा सा टिकट का प्राइस यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर ले लूँगा लगभग से 18 अप्रैल 2023, आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो टिकट का प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एडल्ट का अलग है, चाइल्ड का अलग है, सीनियर सिटीज़न का अलग है। अगर आप 10th या 12th का एग्ज़ाम दे और आपके पास हॉल टिकट है, उसका प्राइस यहाँ पर आपको अलग देखने को मिल रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर सिंगल ऐड कर लेना है। दो लोगों, तीन लोगों, चार लोगों, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। मैं सिंगल हूँ तो मैं यहाँ सिंगल पर ही ऐड करूँगा। आपके साथ चाइल्ड है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, ऐड कर सकते हो। नहीं है तो फिर छोड़ देना है। उसके बाद सीनियर सिटीज़न है कोई तो आपके साथ, तो उसको ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं है तो फिर नहीं ऐड करना है। यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास 10 या 12 का हॉल टिकट है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस लगभग से 450 के आसपास कम हो जाएगा अगर आपके पास 10th या 12th का हॉल टिकट है तो, याद रखिए। तो यहाँ पर मैं जो सिंगल जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, सिंगल पे ही ऐड करूँगा। अगर आपके साथ दो लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पर मेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मेल आपको ऐड करना है, यहाँ पर देख सकते हो। आप अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। अगर नहीं करना है तो फिर छोड़ देना है, नीचे की साइड आ जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हो कूपन कोड यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ही कूपन कोड है मेरे सामने। अगर आपको दो तीन दे रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो एक कोई भी कूपन कोड। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर देख रहा है दो लोग का अगर बुक करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैं सिंगल हूँ तो मैं फिर कूपन कोड छोड़ दूंगा। आप दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ये कूपन कोड को भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने नोट पैड पर नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ का जो भी कूपन कोड है वो यूज़ कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर डालकर आप अप्लाई कर सकते हो। GST डिटेल अगर आपको भरना है, टैक्स बेनिफिट लेना है, तो आप यहाँ पर भर के टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्राइस देख सकते हो, 1312.72 रुपया बता रहे, टैक्स लगा है 236.28 रुपया, 1549 रुपया टोटल बता रहा है। आपका जो भी बताएगा यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद बुक की बटन दी गई है लास्ट में, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर नाम डाल लेना है, जो भी आधार कार्ड पर नाम है वो डाल लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल लेना है, मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल लेना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको आपके एरिया का पिन कोड मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट की बटन दी गई है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स कंडीशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप जो है पेटीएम
वैलेट से पेमेंट कर सकते हो। और ये जो है पे यू बिस का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर से आप क्लिक करके नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करूँगा, उसके बाद प्रोसेस की बटन दी गई है ब्लू कलर की, इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद प्रोसेस की बटन के ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आपको नेट बैंकिंग से करना है तो वहाँ से कर सकते हो, अगर आपको गूगल पे वगैरह से करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ज़्यादातर लोग यूपीआई से करते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, व्हाट्सअप पे, अमेज़ॉन पे का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं फ़ोनपे का ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोनपे की आईडी डाल लेना है, जो भी आपकी आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। अगर आप गूगल पे को सिलेक्ट करते हो तो आप गूगल पे की आईडी वगैरह भी डाल सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। मोबाइल नंबर भी डालकर या यूपीआई नंबर डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हो। फ़ोनपे का ऑप्शन सीधा साधा है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई आईडी डाल लेना है, उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आपकी आईडी सही रहेगी तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद प्रोसेस की बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपको मैसेज आएगा फ़ोनपे की तरफ से। पे के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है फिर से पे की बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पे की बटन पर फिर से एक बार आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यूपीआई पिन डाल लेना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपकी बैंक से अमाउंट कट हो जाएगी, आपका टिकट कंफर्म बुक हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, आपके मेल पर पीडीएफ फाइल आ जाएगी जिसे आप सेव करके रख सकते हो, आपके व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ फाइल आ जाएगी जिसे आप सेव करके रख लीजिए। जब भी आप वहाँ पर जाओगे आप जो है पीडीएफ फाइल और अपना आधार कार्ड बताकर एंट्री ले सकते हो। आप जितने लोग भी हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, 10 लोग हो, आपने जितने का भी बुक किया हो उतने लोग का आप आधार कार्ड बताइए और टिकट की जो है पीडीएफ फाइल बता दीजिए और एंट्री बआसानी ले लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखे ओके, जय हिंद।